यूपी चुनाव पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कल विशेष अवसर होगा और भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से और विकास होगा। विपक्ष द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर कहा कि हार होने पर सवाल उठाते ही हैं। वहीं तेजस्वी द्वारा यूपी में सपा के जीत बताने पर व्यंग करते हुए कहा कि तेजस्वी पटना आ गए हैं क्या। इतिहास में एक विशेष अवसर होगा जब भाजपा शासित सरकार है उत्तर प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में, वहाँ हम सब भारी बहुमत से निश्चित तौर पर जीतेंगे, क्योंकि केंद्र में जो हमारी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने एक बड़ी दूरी तय की है विकास के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। उसका लाभ हमारे राज्यों को ही मिलेगा और ख़ास करके जो राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अपने राज्य के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है, उसका लाभ बेहतर ढंग से कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। है कि हम चुनाव हार रहे हैं और जनता की जीत हो रही है, सुशासन की जीत हो रही है, कुशल नेतृत्व की जीत हो रही है, तो फिर उसे लगता है कि ईवीएम में बदली हो, ईवीएम चेंज हो गया और इस तरह की ये घटिया आरोप लगाते हैं। भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह का ओछा आरोप लगाना उचित नहीं। जीत का लड्डू कौन खाएगा? जीत का लड्डू कौन खाएगा? जीत का लड्डू इस देश की जनता खाएगी और जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ के लोग विशेष रूप से खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिल्ली से आ गए हैं क्या? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।